हेलो एवरीवन, और आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। छोले तो आपने भी बहुत बनाए होंगे और मैंने भी काफी बनाए हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे पिंडी छोले जो दिल्ली के तो बहुत फेमस है। तो आज हम वही ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए हमारे साथ भटूरों के लिए ले लेंगे हम 2 कप मैदा, 3 चम्मच सूजी है ये भिगो के रख दी थी, और ये भी हम डाल देंगे इसमें। और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच चीनी, एक चम्मच हमारा जाएगा नमक, और 1/2 चम्मच के करीब सोडा जाएगा, मीठा सोडा। और ये है हमारी दही, हमने दही ले ली है, और इसको धीरे धीरे डाल के इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे और इसे अच्छे से ही ऑयल डाल देंगे, और फिर से इसको अपना आटे को खोलें हम रेस्ट करने के लिए। ये देखिए हमारे ये हैं छोले जी, ये 300 ग्राम के करीब हैं, और ये हमने 4-5 घंटे पहले भिगो दिए थे और ये अच्छे से भीग गए हैं। तो चलिए अब इसे डालते हैं कुकर में, इसको डाल देते हैं कुकर में, और इसमें देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ये छोले हमारे पूरे भीग जाएं, बस इतना पानी डालना है। और इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता, और बाकी ये है दालचीनी, 2 इलायची और 2-3 लौंग। ये हम अपने करेंगे पोटली में बंद, ये पोटली मैंने बना रखी है, ये मैंने धो दी है। और इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच चाय पत्ती, और ये डाल देंगे बाकी हम 2 इलायची, और ये अपना सारा डाल देंगे हम पोटली में। और ये देखिए ये हमारी होगी पोटली तैयार, और इसको डाल देते हैं पोटली में, और इसमें थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1 चुटकी सोडा, खाने वाले सोडा, और रख देंगे इसको हम कुकर में सीटी लगा। तो छोले रख दिए हमने उबालने के लिए, और इसे मीडियम आंच में बनाएंगे, और 4-5 सीटियां तो इस पे लगेगी। तो चलिए वेट करते हैं, तब तक इसका मसाला बना लेते हैं हम। चलो ये है हमारे मसाले जो हमें तैयार करने हैं, इसमें है जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मिर्ची, जावित्री, काली मिर्ची, और ये है दालचीनी। तो इन सबको हम थोड़ा थोड़ा भून देंगे, और ये है हमारा तेजपत्ता। तो चलिए इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये थोड़ा हमारा खुशबू आने तक हम इनको भून लेंगे। तो इस पे हम डाल देंगे अब थोड़ा 1 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे, और फिर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और फिर डालेंगे इसमें मेथी, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग भून लेते हैं। तो ये अब हमारे मसाले भुन गए हैं, खुशबू भी आने लग गई है इसमें बहुत अच्छी। तो अब इसको हम पीस लेते हैं। अभी हमने मसाले अपने मिक्सर में, तो अब हम बाकी मसाले भी डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी, 1/2 चम्मच डालेंगे हम मिर्ची, 1/2 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। और ये पीसने के बाद हम इसमें एक मसाला और डालेंगे जो है अनारदाना। जो चलिए इसको पीसते हैं हम। और ये देखिए हो गए हमारे मसाले पीस गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं एक, ये देखिए। और अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच अनारदाना, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ट्राई,
आलू फ्राई हो गए हैं और इसको भी डाल देंगे इसमें, और फिर डालेंगे अपने वो बनाए हुए मसाले। पानी पानी लग रहा होगा आपको, थोड़ा गीला, लेकिन ये जब मसाले ऑब्जर्व करेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद ये हमारे हो जाएंगे। और अब करेंगे छौंके की तैयारी। ये मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच है ये घी ले लिया मैंने। घी में ये हम डालेंगे, ये बारीक मैंने अदरक काट दिया है और मिर्ची काट दी है बस, बाकी ज्यादा कुछ और काटना नहीं है। हमारे पिंडी छोले रेडी। जो हमने आटा गूंदा था अब उसकी लोई बना लेंगे और करते हैं भटूरे की तैयारी। छोले बना के लंबे लंबे, आप गोल भी बना सकते हो।